के दिन की शुरुआत एयर स्ट्राइक की खबर से हुई। ईरान ने इसराइल पर जोरदार हमला किया। ईरान ने लगभग 150 क्रूज मिसाइलों और 200 से ज्यादा विस्फोटक ड्रोन से इसराइल पर हमला बोला। अमूमन ऐसे हमलों से किसी भी देश में बुरी तरह तबाही मच जाती है, लेकिन इसराइल के साथ ऐसा नहीं हुआ। दरअसल इसराइल पहले से ही हमले के लिए तैयार था। ईरान के ज्यादातर टारगेट्स को हवा में ही तबाह कर दिया गया। ईरान की मिसाइल जैसे जैसे इजरायली सीमा के करीब आने लगे, वैसे ही इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए, जिन्होंने ईरान की तरफ से आई मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया। ईरान के इस हमले के बाद से पूरे खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन इस बार इजरायली फोर्सेस पूरी तरह से रेडी थे। दरअसल हमास के हमले में इजरायल की डिफेंस फोर्स कारगर साबित नहीं हुई थी, लेकिन जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो वहां की डिफेंस फोर्स ने हमलों को रोक दिया। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस बार नेतन्याहू की आर्मी इतनी प्रिपेयर्ड थी कि वो कहीं ना कहीं चाहती थी कि इस बार ईरान उन पर अटैक करे और वो पूरी तरह से उसके मिसाइल्स को नष्ट कर दे। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया इसराइल के मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के कारण। मल्टीलेयर सिस्टम आयरन डोम को इसराइल ने अमेरिका के साथ विकसित किया है। ये लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें शनिवार को ईरान की ओर से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल प्रकार भी शामिल है। एरो वायुमंडल के बाहर संचालित होता है, जिसका इस्तेमाल वर्तमान में यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से लॉन्च की गई लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए किया जा रहा है। ये सिस्टम सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम में से एक है। इस सिस्टम का इस्तेमाल कम और मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए किया जाता है। अमेरिका का बना ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल की रक्षा प्रणाली में सबसे पुराना है। पिछले दशक की शुरुआत में एक्टिव होने के बाद से इसने इजराइल को हर तरह से हमलों से बचाया। इसमें हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ मौजूदा युद्ध के दौरान हजारों अवरोध शामिल है। इसराइल का कहना है कि इसकी सफलता दर 90% है, यानी कि 90%। इसराइल लेजर तकनीक के जरिए आने वाले खतरों को खत्म करने के लिए एक नया डिफेंस सिस्टम भी बना रहा है, क्योंकि हमास के दौरान जंग के समय ये आयरन डोम खास कमाल नहीं कर पाया था। दरअसल हमास ने आयरन डोम पर इतनी ज्यादा मात्रा में रॉकेट दागे थे कि उसमें से कई को वो रोक नहीं पाया था। उसकी क्षमता से कई ज्यादा रॉकेट्स उसकी ओर बढ़ गए थे, इसीलिए आयरन डोम सारे रॉकेट्स को रोक नहीं पाया था। इसी वजह से इस बार हमास के हमले में इसराइल को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन इस बार इसराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम में कई चेंजेस किए हैं, इसकी कैपेसिटी बढ़ाई है, और इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेतन्याहू चाहते थे कि ईरान की तरफ से अटैक हो और उनकी अच्छी मिसाइल्स एग्जॉस्ट हो जाएं। इसराइल ने सार्वजनिक रूप से ये बोला था कि ये एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि मौजूदा प्रणालियों की तुलना में इसे संचालित करना बहुत ही सस्ता है और बहुत ही आसान है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर से जुड़े अपडेट जानने के लिए आप देख रहे हैं आर भारत।